नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू शर्मा। आप देख रहे हैं टिप्सर पर। आज की मैं वीडियो बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए फ्री SSL सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हो, एक्टिवेट कैसे कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको जो है गूगल पर आ जाना है। गूगल सर्च बार में फ्री SSL सर्टिफिकेट टैप करना है। ये पहले ही वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है इस वेबसाइट का। और दोस्तों हम अपनी वेबसाइट दिखा देते हैं। ये है हमारी दोस्तों वेबसाइट टिप चैनल पर। ये जो है नोट सिक्योर दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब कि कोई भी किसी भी तरह का SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है वर्डप्रेस वेबसाइट का। अब भी ये नोट सिक्योर दिखा रहा है। अब दोस्तों हमें जो करना क्या है, यहाँ पर जो है अपनी वेबसाइट के लिए अपनी वेबसाइट का URL आपको एंटर कर देना है। जैसे कि दोस्तों हमारी वेबसाइट का URL है, तो दोस्तों जो है इसे एंटर कर देंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्रिएट फ्री SSL सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। करने के बाद दोस्तों ये जो है आपको तीन मेथड दिए गए हैं। एक तो है ऑटोमेटिक FTP वेरिफिकेशन मोड, और एक जो है मैनुअल वेरिफिकेशन, और एक जो है मैनुअल वेरिफिकेशन DNS। हम जो है तीसरे वाले पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो है बता रहा है कुछ है आपको जो है TST रिकॉर्ड्स में इंक्वायरी करना होगा। इसके लिए दोस्तों हम जो है नीचे वाले पर क्लिक कर देंगे। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद ये जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें करना क्या दोस्तों, हम जो है अपने DNS मैनेजमेंट पर चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा tipsdevelopers.in। हम जो है इस पर क्लिक करेंगे मैनेज पे। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो है DNS जोन एडिटर, इस पर क्लिक करेंगे हम। अब ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें जो है ये जो है यहाँ पे TST इधर ऐड करना होगा। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे दिखा रखा है दोस्तों होस्ट में, ये ऊपर वाला कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और वैल्यू में ये सेकंड वाला कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों टाइम की बात करें दोस्तों, तो इसमें एक दिखा रखा है। अगर हम इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, जैसे कि दोस्तों पेस्ट कर दिया, अब हम क्रिएट पर करेंगे तो ये शायद ना हो, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 300 एंड ये जो है इतने तक होना चाहिए। आप चाहो तो आप इसे कम से कम 300 कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों हमने कर दिया, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पहले वाला सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम सेकंड भी ऐसे करेंगे। ये आप देख सकते हैं, अब हम इसे जो है एक बार जो है कट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है पहले से ही हो चुका है, इसे हम ध्यान देंगे। अब आप ये देख सकते हैं सेकंड वाले को भी हमें ऐड करना होगा होस्ट में, इसे कर देते हैं, और वैल्यू में इसे ऐड कर देते हैं। और जो दोस्तों टाइम था वो 300 ही रहने देने देना है। अब इसे क्रिएट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों हमारी जो है DNS सेटिंग जो है अपडेट हो चुकी है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है हमारी DNS मैनेजमेंट जो सेटिंग थी हमने करी है, वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। सेकंड वाले को भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं तो आप जो डाउनलोड SSL सर्टिफिकेट पे क्लिक कर सकते हो। अभी आप देख रहे हैं,
ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमें जो है अपनी होस्टिंग में दोबारा आ जाना है। दोबारा आने के बाद जो है हम जो है SSL पर क्लिक करेंगे। SSL पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब जो है हमें ये 3 कॉलम भरने होंगे। इसके लिए दोस्तों हमने जो है एक बार ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट सक्सेसफुली जनरेट। अब दोस्तों हमें जो है यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना है, ये आप देख सकते हैं, और हमें पासवर्ड एंटर कर देना है जिसके दोस्तों हम कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों अब हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों यू विल बी नाउ बी नोटिफाइड वन वीक बिफोर द सर्टिफिकेट इज अबाउट टू एक्सपायर। मतलब कि दोस्तों एक्सपायर होने से एक हफ्ते पहले आपको सूचना दे दी जाएगी और आप उसे दोबारा से जनरेट कर सकते हो। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें जो है ये जो है कॉपी कर लेना है जिसके दोस्तों हम दिखा लेते हैं, वैसे ही आपको करना है। ये देखिए कॉपी करके हम जो है इसे इसमें एंटर पेस्ट कर देंगे, अर्थात एंटर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों ऐसे दोस्तों हमें प्राइवेट की में भी ऐसे करना है। जो यहाँ पे प्राइवेट की दे रखी है दोस्तों हमें जो है वही प्राइवेट की वहाँ पे पेस्ट कर देनी है उसी कॉलम में, जैसे कि दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कॉपी कर लेंगे और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तीसरे में भी दोस्तों ऐसे करना है हमें। ये देखिए दोस्तों हम इसे ही पेस्ट कर देंगे। अब इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा जो है फ्री SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम एक बार इसे अनफोर्स HTTPS पे क्लिक कर देंगे। फोर्स HTTPS पर दोबारा क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम जो है आपको अपनी वेबसाइट दिखा देते हैं कि हमारी वेबसाइट पर जो है फ्री SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारी वेबसाइट रिफ्रेश हो चुकी है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ताले का सिग्नेचर बना हुआ आ चुका है। जरा हम इसे जो है एक बार अपना पासवर्ड डाल दें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी वेबसाइट पर जो है फ्री SSL सर्टिफिकेट एक्टिव हो चुका है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब कि दोस्तों सर्टिफिकेट एक्टिव हो चुका है और पहले नहीं था। या अब हम आपको अपनी वेबसाइट दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी वेबसाइट पर जो है सक्सेसफुली SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों आप भी अपनी WordPress वेबसाइट के लिए फ्री SSL सर्टिफिकेट पा सकते हो और इसे एक्टिव कर सकते हो। दोस्तों अगर ये 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाए तो आप इसे दोबारा से जनरेट कर सकते हो, उसमें इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।